chemical properties. Like, first of all, please be careful. First, I am just writing the reactivity series as I discussed in the previous lecture also. But you have to see calorie, nahi. इसके बीच में एक मैंगनीज भी होता है. इन सम ऑफ द बुक्स आप देखोगे वहां पे ना मैंगनीज वर्ड भी गिवन होता है. ठीक है, तो मैंगनीज भी वन एक मेटल है. अब जो हमने रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग वी हैव टू डिवाइड इनटू राइट द रिएक्शंस कैसे होंगे. सबसे पहले मैं लिख रही हूँ, ये प्लीज नोट ही कर लो जैसे मैं नोट करवा रही हूँ, सो दैट व्हेन यू विल गिव अ क्विक रिव्यू इमीडिएटली आपका समझ आ जाएगा. रिएक्शन विद एयर. अब इसमें रिएक्शन विद एयर में हमारे पास क्या है कि वी विल टेक अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज वी विल टेक इट मेटल्स. किसके बाद SN, दैट इज कॉल्ड स्टेनस. टिन, टिन होता है, टिन का दूसरा नाम है स्टेनस. इट इज कॉल्ड स्टेनस, राइट. अब रिएक्शन विद एयर में कैलोरी नहीं, दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम, दे बोथ इजीली रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स. ठीक है, सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव प्लस ऑक्सीजन. Then potassium plus oxygen. ठीक है, अब इन दोनों के जो ऑक्साइड्स हैं, दीज आर एबल टू, मतलब वी आर एबल टू डिसॉल्व दीज ऑक्साइड्स इन वॉटर. सो आपके पास यहां पे एक क्वेश्चन फिर आता है, प्लीज चुप कर जाओ. यहां पे आपके पास एक क्वेश्चन फिर आता है कि विच बेसिस आर इजिली, मतलब द नेम द एल्कली दैट इजिली डिसॉल्व इन वॉटर. तो मैंने आपको दो एग्जाम्पल बता दिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. दीज टू ऑक्साइड यहां पे ऐसे ही लिख लो, ऑक्साइड्स easily dissolve in water. कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. अब हम नीचे अगर आए, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इनके लिए हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है. मतलब ये विग्रेसली रिएक्ट नहीं करते बट दे विल रिएक्ट. ठीक है, राइट डाउन द रिएक्शन. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, व्हाट इट विल बी फॉर्म, MgO. व्हाट इज लाइक दैट इज द पार्शली डिसॉल्व इन वॉटर. वही बता रही हूं ना. इसके बाद हम यहां आ गए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड पार्शली डिसॉल्व. पार्शली डिसॉल्व इन वाटर. मैंने लिखा ही नहीं. अच्छा, व्हाट इज द नेचर ऑफ दीज हाइड्रोक्साइड और दीज ऑक्साइड्स. बेसिक, BMO है ना, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. ये प्लीज नो डाउट आपको फन मतलब लगता होगा कि मैम ऐसे ही बोल रहे हैं, बट व्हेन वी आर राइटिंग ना तो कई बार ये चीजें हमें बहुत हेल्प करती. BMO दैट इज मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. Metallic oxides are basic in nature. अब उसके बाद आ जाओ
एल्यूमिनियम मैग्नीशियम हमारा हो गया, एल्यूमिनियम एंड जिंक ये हमने करा, दे आर इजिली डिजोल्व इन वाटर। तो सोल्यूबल कौन से हुए हमारे पास, सोडियम वाला और पोटेशियम वाला, दो बेसिस विच आर प्रॉपरली फुली डिजोल्व इन वाटर कौन से हैं, एल्कलीज सोडियम एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम इज पार्शली। अब उसके बाद आ जाओ कि ऑल दीज आर द मेटेलिक ऑक्साइड जो हैं वो हमारे पास है बेसिक इन नेचर, दैट दे विल टर्न द विच लिटमस पेपर, बेसिक बी एंड बी इकट्ठे नहीं आएंगे, बेसिक टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, राइट, ये हो गया। अब उसके बाद एल्यूमिनियम एंड जिंक, दीज आर दीज काइंड ऑफ द ऑक्साइड्स दे विल फॉर्म विच इज रिएक्टेड विद, मतलब दे कैन शो द रिएक्शन विद द एसिड्स एज वेल एज द बेसिस। लिखो पहले, पहले इसका ऑक्साइड बनाओ, Al2O3, and what it will form? ZnO, ZnO, zinc oxide. These two oxides are called amphoteric oxides. These two oxides are called amphoteric oxide. What is the meaning of ampho? As all of you know, amphibians, that they can both live on land as well as in water. That means showing two characters. So amphoteric oxide show two characters. They can react with the acids as well as the bases. Look here. Yes, Al2O3. मैं erase करके बता रही हूँ। Al2O3 plus HCl, Al2O3 plus NaOH, it will form AlCl3 plus water. यहां पे क्या बनेगा? NaAlO2, sodium aluminate. ये कॉम्प्लेक्स है जो बेसिस के साथ मेटल्स की या ऑक्साइड्स की रिएक्शन होते हैं, दीज आर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। नहीं हो ना, हाँ मैं आपको आराम से ऑक्सीडेशन नंबर दोबारा बता दूंगी अकेले, सबने कंफ्यूज हो जाना। ये डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्सीडेशन नंबर्स बता दूं, ठीक है। देन जिंक ऑक्साइड, इट विल फॉर्म ZnCl2 प्लस वाटर, ZnO रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट विल फॉर्म Na2ZnO2, दैट इज सोडियम जिंकेट। यानी कि कौन से दो ऐसे ऑक्साइड्स हैं विच आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एंड दे विल फॉर्म द सोडियम जिंकेट एंड सोडियम एल्यूमिनेट। कौन कौन से हैं? जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दीज आर कॉल्ड द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, दोज विच कैन शो द रिएक्शंस विद द एसिड्स एज वेल एज द बेसिस। प्लीज इन दो रिएक्शंस को स्टार लगा लो, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा या कंप्लीट द रिएक्शन में कहीं पे भी। सोडियम एल्यूमिनेट क्या बता दूं, रिएक्शन क्या क्या नहीं समझा, पूछो मैं बताने के लिए बैठी हूं, पूछो बेटा। दैट इज द कॉम्प्लेक्स जो आप रिएक्शंस करते हो एसिड और बेसिस के साथ, या जो अगर हम बेसिस की जो रिएक्शंस होती हैं, बेसिस की रिएक्शन, दीज आर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, उसमें बहुत सारी चीजें। हाँ, यू हैव टू लर्न दिस, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास कौन से आ गए, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम भी हो गया, देन हमारे पास आयरन टिन ये जो चीजें हैं। आयरन जो है इट विल आल्सो रिएक्ट बट ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग हीटिंग के बाद,
ठीक है, इट विल फॉर्म. सो नीचे वाले जो मेटल्स हैं वो दीज विल नॉट शो रिएक्शन विद द एयर. ठीक है ना, हमने गोल्ड पहना है या सिल्वर पहना है तो इट विल नॉट शो द रिएक्शन विद द एनी सब्सटेंस. इज देयर एनी डाउट? जिंकेट. ठीक है, आयरन की रिएक्शन फिर भी हो जाती है ऑक्सीजन के साथ, ये उसका ऑक्साइड बना देता है Fe2O3 या Fe3O4. कॉपर ऑन वेरी प्रोलॉन्ग हीटिंग, जब आप बहुत देर तक इसको गर्म करते हो देन दिस विल शो रिएक्शन, उसके बाद कोई भी नहीं. वेरी रेयर बेटे, इतना नहीं हम यूज करते ना. प्रोलॉन्ग हीटिंग मीन्स वेन यू आर कीपिंग, लाइक आयरन की भी जो रिएक्शन है वो ब्लास्ट फर्नेस, मतलब अलग अलग तरीके से हम करते हैं उनको. हमें स्ट्रॉन्गली प्रोलॉन्ग हीटिंग, मतलब बहुत लंबे टाइम तक उसको हीट करना पड़ता है तब उसकी रिएक्शन होती है. देन रिएक्शन विद वॉटर, सेम इसी तरह से करोगे और इसमें क्वेश्चंस बहुत फ्रेम होते हैं. रिएक्शन विद वॉटर, आ जाओ ऊपर. सोडियम एंड पोटेशियम, दीज कैन इजिली रिएक्ट विद वॉटर. इसमें एक चीज यहां लिख लो, जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं वॉटर के साथ दे विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड्स. जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ दे विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स. क्लियर है? ओके. अब हमारे पास है सोडियम एंड पोटेशियम, दे कैन विग्रेसली रिएक्ट विद द वॉटर टू फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड. ठीक है, इसकी रिएक्शन हमारे पास सिंपल है बिकॉज हमें पता है सोडियम एंड पोटेशियम विग्रेसली रिएक्ट विद द वॉटर एंड फॉर्म हाइड्रोक्साइड, कैच फायर. दैट्स वाई इट इज केप्ट इन अ केरोसिन टू कट ऑफ द एयर सप्लाई सो दैट इट विल नॉट रिएक्ट विद द मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर. कोई भी क्वेश्चन आ जाए, व्हाई इट इज केप्ट इन केरोसिन, टू कट ऑफ द एयर सप्लाई, बिकॉज दीज आर विग्रसली रिएक्टिव. ठीक है, ओके. लिखो रिएक्शन. सोडियम रिएक्ट विद वॉटर बट इट विल बी फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड. वॉटर नहीं, हाइड्रोजन. ठीक है, इसके बाद लिखो सोडियम एंड पोटेशियम. ओके, आ जाओ आप कैल्शियम. कैल्शियम रिएक्ट विद वॉटर बट इट विल बी फॉर्म. इज दिस रिएक्शन विग्रस? वाई? इट इज नॉट रिएक्टिव. ओके, वन पॉइंट इज दिस, वाई दीज आर रिएक्टिव. This is not okay. अब मैं बोलती हूँ, सुनो. सोडियम एंड पोटेशियम विग्रेसली रिएक्ट विद हाइड्रोजन. और या आप आ जाओ या मैं चुप कर जाती हूँ. कैल्शियम इज लेस रिएक्टिव, दैट इज द वन पॉइंट. ठीक है, होता क्या है, व्हेन कैल्शियम ड्यू टू द लेस रिएक्शन विद द ऑफ द लेस रिएक्टिविटी ऑफ कैल्शियम, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड इट विल नॉट कैच फायर, इट विल नॉट बर्न. यहां पे दीज आर हाईली रिएक्टिव. ये विग्रस रिएक्शन क्यों है? दीज आर हाईली रिएक्टिव. और जब ये हाईली रिएक्टिव, इसमें से जब हाइड्रोजन निकलती है इवन द मेटल ऑल्सो इट कैचेस फायर. दिस रिएक्शन जो हम ये मेटल की रिएक्शन पानी के साथ कर रहे हैं, इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है. इन दीज टू केसेस हीट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट, ट्रिमेंडस हीट इज प्रोड्यूस. इन दिस केस लेस हीट इज प्रोड्यूस्ड एज यू आर सेइंग दैट इज द लेस रिएक्टिव. लेस रिएक्टिव की वजह से यहाँ पे हीट कम प्रोड्यूस होती है एंड दैट इज नॉट द सफिशियंट हीट टू बर्न हाइड्रोजन. जो पोटेशियम और सोडियम की है, जब वो रिएक्शन होती है वो विग्रस रिएक्शन क्यों शो करता है? क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव मेटल है. एक पॉइंट हो गया. उस हाईली रिएक्टिव मेटल की वजह से वहां से जब वो रिएक्ट करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड. वो हीट इनफ निकलती है कि हाइड्रोजन और मेटल को बर्न कर देती है, जिससे रिएक्शन बहुत विग्रस हो जाती है.
कैल्शियम मैग्नीशियम कैल्शियम के साथ जब रिएक्शन करते हैं, ऑल ऑफ यू हैव ऑब्जर्व, घर में हम पुट्टी करवाएं या कुछ भी करवाए गए पीओपी या समथिंग, तो आपने देखा ऊपर बबल्स निकल रहे होते हैं, ठीक है। तो बट वी विल से कैल्शियम की रिएक्शन जब हम वाटर के साथ करते हैं, इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, बट इसके साथ लिख लो लेस रिएक्टिव एंड इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द वॉटर। यहां पे ऐसे लिख लो हीट इज लेस, यहां साइड पे लिख लो लेस हीट। अब ये हीट इतनी कम होती है कि दिस इज नॉट सफिशियंट टू बर्न द हाइड्रोजन। वहां पे इतनी हीट निकलती है सोडियम एंड पोटेशियम के केस में, दैट इज सफिशियंट टू बर्न द हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई रिएक्शन विग्रस हो जाती है। यहां पे जो हीट निकलती है दैट इज लेस हीट इज प्रोड्यूस विच इज नॉट सफिशियंट टू बर्न द हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन गैस कम्स टू द सर्फेस एंड स्टिक टू द पार्टिकल्स एंड दे विल फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ द वॉटर। हर किसी की अपनी रिएक्शन है। इफ आई एम टॉकिंग लाइक आपको गुस्सा जल्दी आएगा उसको आएगा, दैट डिपेंड द नेचर ऑफ दैट सब्सटेंस। बबल्स उसकी वजह से है, हाइड्रोजन लेस हीट लेस हीट दैट इज नॉट सफिशियंट टू बर्न हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन बर्न नहीं हुई दैट मीन इट विल कम टू द सर्फेस, जितने कैल्शियम के पार्टिकल्स हैं दे विल स्टिक टू दैट वन एंड कैल्शियम फ्लोट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द वॉटर। यहां पे एक और लिखो मैग्नीशियम प्लस वॉटर, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये दोनों ही फ्लोट करते हैं। अगर क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन है देन यू हैव टू टिक, अगर एक ऑप्शन होगा तो हमारा प्रेफरेंस या वन वर्ड आंसर अगर कोई होगा देन द वी विल राइट डाउन द कैल्शियम। हां जी बच्चे, मैंने क्या बोला कि अगर ऑप्शन दो होंगी उसके हिसाब से, इफ वन वर्ड इज देयर, इफ ओएम एंड शीट इज नॉट गिवन यू हैव टू गिव द 5 मार्क क्वेश्चन, राइट डाउन द 1 मार्क पॉइंट देन बट यू विल डू, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग। बोलो नव्या, हाइड्रोजन ऊपर आएगी, ठीक है, ऊपर कैल्शियम के पार्टिकल्स अभी हैं उनके साथ चिपक गई, उस पार्टिकल्स को दैट इज व्हाट गैस, व्हाट इट विल मेक गैस पार्टिकल्स विल मेक लाइटर, लाइटर की वजह से वो सारे पार्टिकल्स जो ऊपर तैरने शुरू, जैसे आप झाग बनाते हो डिटर्जेंट के साथ तो दैट द बबल्स के साथ चिपक जाते हैं दैट विल फॉर्म एंड वो ऊपर फ्लोट कर। कहां से निकलेंगे, कैल्शियम इज लाइक अ चूना, स्पेस भी तो हो, पार्टिकल्स इतने थिक हैं उसके, डू इट एट होम लाइक एक लेके पीओपी को करके देखना, यू विल सी कि आपकी जो बर्थ ग्लास कंटेनर और बकेट वट एवर यू विल टेक, हीट विल बी प्रोड्यूस, गर्म होती है वो, जब वो पुट्टी बनाते हैं इट इज हॉट, वही कह रही हूं मैं, वही बोल रही हूं, इज इट क्लियर। अब यहां पे ये हो गया, बट मैग्नीशियम When it react with steam, it will form magnesium oxide. जब magnesium react करेगा steam के साथ magnesium oxide, then magnesium oxide will be produced. ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास कौन से आ गए, aluminium, जिंक, आयरन, ठीक है। मैंने पहले बताया एल्यूमिनियम के नीचे मैंगनीज भी होता है, इन सम ऑफ द बुक्स यू इवन रेड इन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑल्सो मैंगनीज Mn, ठीक है, कई बुक्स में होता है अदरवाइज नहीं भी होता, बट इन योर एनसीईआरटी चारों एलिमेंट्स गिवन है, दैट्स व्हाई प्लीज स्टॉप टॉकिंग, इट्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड। क्या बोल रहे थे हम, एल्यूमिनियम जिंक मैंगनीज बीच में आता है, जिंक एंड आयरन। अब ये हमारे पास हो गए हाईली रिएक्टिव विग्रेसली विद द कोल्ड वाटर, दीज विल रिएक्ट विद द, ये कोल्ड वाटर के साथ होता है, जब कोल्ड वाटर के साथ है या हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम है तो हमारे पास हाइड्रोक्साइड दे विल फॉर्म, बट
यहाँ पे जब मैग्नीशियम रिएक्ट विद द स्टीम इट विल फॉर्म इट्स ऑक्साइड. अब हमारे पास आ गया नीचे एल्यूमिनियम जिंक आयरन, ठीक है, मैग्नीज इज ऑल्सो देयर. इट विल शो द रिएक्शन विद द स्टीम, इट विल शो द रिएक्शन विद द स्टीम. तो वन एक्टिविटी इज गिवन इन योर बुक. आई एम राइटिंग द मेटल ठीक है, मैग्नीज आई डोंट नो. I am not saying. What we will do? This is the glass wool soaked in water. यहां पे you will take any metal, इनमें से कोई भी आप ले सकते हो, aluminium, manganese, zinc, iron, कोई भी हम ये ले सकते हैं, ठीक है. What will happen when we will burn this? हम डायरेक्ट हीट नहीं करते बिकॉज आई टोल्ड यू कि दीस विल रिएक्ट या शो द रिएक्शन विद द स्टीम ओनली. तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम ग्लास वूल लेते हैं. ग्लास वूल यू कैन सी एक एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर को. वी विल कीप इट हियर सॉक करके यहाँ पे रखते हैं. जब हम इसको बर्न करेंगे बट विल हैपन इट विल प्रोड्यूस द स्टीम, वेपर्स निकलेंगे. व्हेन दीस वेपर्स विल कम ओवर हियर दे विल शो द रिएक्शन विद दिस और यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है वो कलेक्ट हो जाएगी, ठीक है. सो दिस इज द एक्टिविटीज गिवन. वी कैन आस्क यू बाय शोइंग दिस डायग्राम ओवर देयर आल्सो एंड वी कैन आस्क यू कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग या कौन सी गैस है. वी कैन गिव द ऑप्शंस कि ए इज दिस, बी इज दिस, सी इज दिस. मतलब इन द डायग्राम वी कैन आस्क यू ए बी सी डी इन द जंबल फॉर्म वी कैन गिव. यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी एंड व्हाट इज डी, ठीक है. सो डोंट थिंक कि अगर हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव है तो डायग्राम्स या कुछ लेबलिंग, बिकॉज वी हैव टू राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग. तो मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ कि इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ द एमसीक्यू ए बी सी डी आइडेंटिफाई इन द जंबल वर्ड्स. लाइक उल्टे पुल्टे होंगे बट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ठीक है, इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. तो व्हाट इज एक्चुअली दिस इज द सोक्ड वूल, ग्लास वूल जो सोक की हुई है पानी के साथ. Here is the metal. कौन कौन से metals हैं? We can miss one metal also. We can miss one metal also. You have to identify. चारों मैंने आपको लिख दिए कि these metals they will show the reaction with the steam. And when they will show the reaction, यहाँ से heat निकलेगी, vapors आएंगे, vapors will react with these metals and hydrogen gas will be collected. हाँ जी. Manganese. लिख लो. होता नहीं, मैंने कहा कई books में aluminium के बाद लिखा होता. That's why I'm telling you. वॉटर इट इज कलेक्टेड डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस. लाइटर वो पानी ऊपर की तरफ कलेक्ट होती है, ठीक है. वॉटर है, बबल्स आर हाइड्रोजन. मैं लिख देती हूँ. These bubbles are hydrogen. Water लिया है हमने बीकर में. It is collected as the downward displacement. जो hydrogen gas है वो downward मतलब उसमें हम collect करते हैं. क्या हुआ? हम लोग यहाँ पे wool लेंगे. आपने कोई भी ऐसी चीज ली, जैसे यहाँ पे glass wool है,
सोक्ड इन वॉटर, उसको पानी में कर लिया. आफ्टर दैट यहाँ पे हमने मेटल्स लिए बिकॉज इट विल रिएक्ट विद द स्टीम ओनली. हमने उसकी मेटल्स को, इसको ग्लास फूल को हीट करा. जब हमने हीट करा वेपर्स निकले, वेपर्स यहाँ से निकल के दे विल शो द रिएक्शन विद दिस वन. जब इसकी रिएक्शन हुई, मेटल और स्टीम की रिएक्शन होगी तो क्या प्रोड्यूस होगा? हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. जो हाइड्रोजन गैस है उसको हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बीच में से बबल्स निकल के आते हैं. अदरवाइज इट्स नॉट इजीली, यू आर नॉट एबल टू कलेक्ट इट. नेक्स्ट लिखिए रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स. अब इसमें है मेटल्स जब डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, दे विल फॉर्म मेटल सॉल्ट. प्लस व्हाट विल फॉर्म? शो जब भी कोई मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, हाइड्रोजन गैस विल बी फॉर्म. अब इसमें आपके पास मेटल्स की रिएक्शन है विद डाइल्यूट एसिड, आप कोई भी लिख लो. सोडियम जो है दैट विल रिएक्ट विद द HCl, इट विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड. मैग्नीशियम विल फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड. ये हमारे पास इजीली ऊपर वाले रिएक्ट हो जाते हैं, ठीक है. जब हम यहाँ पे, यहाँ तक तो हमारे पास रिएक्शन डाइल्यूट के साथ हो जाती है. एल्यूमिनियम में जब हम आते हैं, जब हम उसकी रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ आते हैं, तो ये स्लोली रिएक्शन देता है हमें डाइल्यूट एसिड के साथ. यहाँ लिख लो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को अंडरलाइन करके लिख लो. एल्यूमिनियम रिएक्ट स्लोली. क्यों स्लोली करता है वो भी लिख लो. एल्यूमिनियम रिएक्ट स्लोली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड लेयर. इवन मैग्नीशियम के ऊपर भी लेयर होती है. मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले सैंड पेपर से रब करते हैं ना हम लोग, उसी तरह से एल्यूमिनियम में भी और सोडियम मैग्नीशियम में दोनों में लेयर होती है. एल्यूमिनियम के ऊपर भी ऑक्साइड लेयर होती है. तो यहाँ पे रीजन इसका लिख लो, एल्यूमिनियम शो या एल्यूमिनियम जो आप ले लो कि रिएक्ट स्लोली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड लेयर ऑन इट. प्रोटेक्टिव लेयर होती है ड्यू टू, हाँ क्या कह रहे हो? लेयर आ गई. आपने सपोजिंग रेनकोट पहना है तो आप बच गए. गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलरली ऑक्साइड लेयर इज प्रेजेंट. वो उतनी, देखो ऑक्साइड लेयर, आई एम टॉकिंग कि ऑक्साइड लेयर प्रेजेंट है. जितनी देर उसको बीच में रखी रखा रिएक्शन करेंगे, वन डे इट विल कम कि वहां से ऑक्साइड लेयर भी जो है वो रिमूव हो जाएगी. व्हेन इट रिमूव देन इट शोज अ विग्रस रिएक्शन, ठीक है. नाइट्रिक एसिड वाला कल करवा दूंगा.